शेख हसीना ने बांग्लादेश से भागने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। हसीना का ये बयान उनके खिलाफ बांग्लादेश में हत्या का मामला दर्ज करने के बाद आया। इस बयान में उन्होंने बांग्लादेश में हुई हिंसा की उचित जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हिंसा के दोषियों को पहचान कर उचित सजा दी जानी चाहिए। उनके बयान को बेटे साजिब वाजिद जॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इस बयान में उन्होंने बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के अपमान और उसके निर्वास स्थान पर हुई आगजनी को लेकर अपना दुख भी जाहिर किया है। शेख हसीना ने अपने बयान की शुरुआत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से की। उन्होंने लिखा, भाइयों और बहनों, 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई। मेरे मन में उनके प्रति गहरा सम्मान है। उस समय मेरी माँ बेगम फजीतुलनसा, मेरे 3 स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन शेख कमल, स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट शेख जमाल कमाल और जमाल की पत्नी सुल्ताना कमाल, मेरे छोटे भाई जो उस समय केवल 10 साल का था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपने पत्र में उन्होंने इस दौरान मारे गए बाकी दूसरे लोगों के नाम भी लिखे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, 15 अगस्त को शहीद हुए सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पिछले जुलाई से अब तक आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है। छात्र, शिक्षक, पुलिस, यहां तक कि महिला पुलिस, पत्रकार, सार्वजनिक कार्यकर्ता, कामकाजी लोग, आवामी लीग के नेता और संबंध संगठन के कार्यकर्ता, पैदल यात्री और विभिन्न संस्थानों के कार्यकर्ता जो आतंकवादी हमले का शिकार होकर मारे गए, इन सभी लोगों की मौत पर मैं शोक व्यक्त करती हूँ और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे जैसे उन लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं जो किसी प्रियजनों को खो देने के दर्द के साथ जी रहे हैं। मैं मांग करती हूं कि इन हत्याओं और बर्बरता में शामिल हुए लोगों की उचित जांच की जाए और दोषियों की पहचान कर उन्हें उचित सजा दी जाए। हम दो बहनों ने 15 अगस्त 1975 को धनमंडी बंगबंधु भवन में हुई नरसंहार हत्या की स्मृति रखने वाले उस घर को बंगाल के लोगों को समर्पित किया, एक स्मारक संग्रहालय बनाया था। देश के आम लोगों से लेकर देश विदेश के गणमान्य लोग सदन में आ चुके हैं। ये संग्रहालय आज़ादी का स्मारक है। ये बहुत दुखद है कि जो स्मृति मेरे जीवित रहने के आधार थी वो जल कर खाक हो गई। आप सबकी मैं सेवा कर रही थी, जिसके बाद उद्देश्य बांग्लादेश के पीड़ित लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना है, अपने प्रियजनों के नुकसान को याद कर अपने दिलों में बनाए रखना है। उसका सुफल आपको मिलना शुरू हो गया है। बांग्लादेश विश्व में विकासशील देशों का दर्जा प्राप्त कर चुका है। हसीना ने आगे ये भी कहा कि राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनके नेतृत्व में हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आत्मसम्मान मिला, अपनी पहचान मिली, एक स्वतंत्र देश मिला और उसका अपमान किया गया। उन्होंने लिखा कि शहीदों के खून का अपमान किया गया। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूँ। मैं आपसे 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस को उचित गरिमा और गंभीरता के साथ मनाने की अपील करती हूँ। बंगबंधु भवन पर पुष्प अर्पित कर और प्रार्थना कर सभी आत्माओं को मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अल्लाह सर्वशक्तिमान बांग्लादेश के लोगों को आशीर्वाद दे। जय बांग्ला, जय बंगबंधु।